हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल गोल्डन एर एजुकेशन फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने भारतीय संविधान से जुड़ी एक सीरीज चालू की है जिसमें हम संविधान से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं और उनसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको प्रत्येक वीडियो में देख रहे हैं और उसके साथ साथ में वीडियो के अंत में उस टॉपिक से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम हल कर रहे हैं यह सीरीज़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले जितनी भी एक दिवसीय एग्जाम हैं उनमें अगर संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इसमें से अगर आप इस सीरीज़ को पूरी ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको वह प्रश्न बन जाएगा तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत में जो एक टेस्ट के रूप में जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और वीडियो के अंत में उनसे जुड़े संभावित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न तो भारतीय संविधान सभा के बारे में तो वैसे आपको मालूम ही होगा कि भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया है ना भारत में ए, कानूनों एवं नियमों जो भारत को संचालित करने के लिए बनाए गए तो ये किसके द्वारा बनाया गया तो ये बनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहला ये कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया वह किस मिशन की संस्तुति के आधार पर किया गया था तो ये किया गया था केबिनेट मिशन बहुत ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा इस बात को कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर हुआ था देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि आधार पर किसकी हुआ था केबिनेट मिशन के लेकिन अगर बात करें हम कि सर्वप्रथम संविधान सभा की रचना हेतु विचार किस पार्टी के द्वारा दिया गया था तो यह दिया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा ठीक है अब कब दिया गया था तो यह दिया गया था 1924 ईस्वी को ठीक है अब अब यह बात है कि के, जो संविधान सभा का गठन है वह कब किया गया तो यह किया गया था जुलाई उन्नीस सौ छियालीस ईस्वी में याद रखिएगा जुलाई 1946 सौ ईस्वी में अब अगर हम बात करें केबिनेट मिशन की तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों की अगर बात करें हम तो इनमें हम प्रमुख सदस्यों को देखें तो इनके नाम थे स्टेफर्ड क्रिप्स सेकंड लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और थर्ड बी एलेक्जेंडर ठीक है फिर नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है वह निश्चित की गई थी तीन सौ नवासी देखिये पर एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि संविधान सभा के जो सदस्य है उनकी कुल संख्या यहां पर सिर्फ निश्चित की गई थी ठीक है ये बार बार चेंज होती रही थी कभी जो मुस्लिम लीग है वह संविधान सभा से अलग हो गई तो फिर चेंज हुई ठीक है फिर उसके बाद पुनर्गठन हुआ तो फिर चेंज हुई फिर विभाजन हुआ तो फिर चेंज हुई तो ये चेंज होती गई लेकिन शुरू में कितनी निश्चित की गई थी तो ये की गई थी थ्री एट्टी नाइन इसमें अगर देखिए यहाँ पर टू मतलब दो सौ बयानवे प्लस तिरानवे प्लस चार इसका मतलब ये हो रहा है कि जो दो सौ बयानवे सदस्य हैं वो जो ब्रिटिश भारत है है ना ब्रिटिश का शासन था भारत में इसलिए ब्रिटिश भारत जो है उसके जो प्रांत थे उनसे दो सौ बयानवे सदस्य चुने गए थे उसके बाद में जो तिरानवे सदस्य थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि थे जबकि अगर हम चार सदस्य की बात करें तो जो कमिश्नर वाला जो क्षेत्र होता है चीफ कमिश्नर वाला उस क्षेत्र से चार सदस्य चुने गए थे ठीक है अब अगर हम बात करें कि जो प्रत्येक जो ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य चुने गए थे तो उनमें जो विधानमंडल है उसके द्वारा ये सदस्य चुने गए थे ठीक है और अगर हम बात करें कि देसी रियासतों से जो प्रतिनिधि आए थे वो जो राजा था उसके द्वारा उनको मनोनीत किया गया था ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रांतीय देसी रियासतों मतलब प्रांतीय जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो देसी रियासतें थी उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया था मतलब ये कि प्रत्येक जो देसी रियासत है उनमें कितने सदस्य संविधान सभा में आए आएंगे ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था और इसमें साधारणतः दस लाख की आबादी मानी गई थी देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेंगे हम जम्मू कश्मीर है है ना तो जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या कितनी है पचास लाख ये मान के चलिए तो वहां पर से कितने सदस्य आएंगे तो वहां पर से सदस्य आएंगे पांच इस टाइप में ठीक है फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक नो दिसंबर सौ ईस्वी को हुई थी यह बहुत महत्वपूर्ण है नौ दिसंबर 1940 को ठीक है और जो नौ दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो हुई थी उसमें अस्थाई सदस्य के रूप में किसे चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था देखिए यहां पर एक प्रश्न यह भी बन जाएगा कि सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया तो 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 को ठीक है लेकिन एक मुख्य बात यहां पर यह है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसको मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था और इस सभा में जो सदस्य थे उसमें हैदराबाद के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे ये दोनों मुख्य बात आप याद रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रांत है ब्रिटिश प्रांत उनके प्रतिनिधित्व जो उनका लिया गया था तो वो तीन समुदाय की जनसंख्या के आधार पर लिया गया था ठीक है अब अगर बात करें तो ये तीन समुदाय कौन कौन से थे तो पहले समुदाय में था मुस्लिम दूसरे समुदाय में थे सिख और समुदाय में तीसरा वर्ग कौन सा था सामान्य का सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़ करके सभी को शामिल कर दिया गया था सेकेंड जो संविधान सभा की बैठक हुई ग्यारह दिसंबर उन्नीस सौ को उस समय राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया ठीक है बहुत महत्वपूर्ण फिर जो तेरह दिसंबर उन्नीस सौ है उसको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित पारित नहीं पेश किया गया अब यह किसके द्वारा पेश किया गया था तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश कब किया गया तेरह दिसंबर उन्नीस को और इसी दिन से संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई तो यह भी याद रखिएगा तेरह दिसंबर उन्नीस से संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी ठीक है लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देश का विभाजन हो गया ठीक है तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः पुनर्गठन किया गया और यह पुनर्गठन किया गया था इकतीस अक्टूबर उन्नीस सौ सैतालीस को ठीक है फिर उसके बाद में संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया उसका प्रथम वाचन किया गया द्वितीय वाचन किया गया एवं तृतीय वाचन किया गया और उसे पारित कर दिया गया अगर हम बात करें कि प्रथम वाचन कब हुआ था तो 4 नवंबर से 9 नवंबर, नवंबर 1948 तक द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर उन्नीस तक तृतीय वाचन 14 नवंबर उन्नीस से 26 नवंबर उन्नीस तक और संविधान पारित किया कर दिया गया अब देखिए संविधान पारित कब किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये पारित किया गया था छब्बीस नवंबर उन्नीस को देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था लेकिन पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर उन्नीस को यह पारित हुआ था तो यह थे दोस्तों संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अगली वीडियो में हम इससे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जैसे संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी फिर संविधान बना तो कितने दिन में बना इसमें कितने रुपए लगे ठीक है तो ऐसी तमाम जानकारी हम अगली वीडियो में देखेंगे तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम कि संविधान सभा का गठन कब किया गया तो देखिए इसको आप एक टेस्ट के रूप में लीजिए मैं प्रश्न पढ़ूंगा और आपको फट से अपने माइंड में उस आंसर को रिकॉल कर लेना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना इससे आपकी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी ठीक है तो पहला प्रश्न ये कि संविधान सभा का गठन कब किया गया तो संविधान सभा का जो गठन है वह किया गया था जुलाई उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की रचना हेतु सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था देखिए यहां पर बात हो रही सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था किसके आधार पर नहीं किया गया था ये नहीं पूछ रहा है तो ये किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया तो देखिए अस्थाई अध्यक्ष जो है वो प्रथम बैठक में चुना गया था सचिता सिन्हा को और अगर हम बात करें कि स्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया तो स्थाई अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा फिर संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया तो देखिए भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो यह कब किया गया था तो यह किया गया था इकतीस अक्टूबर को नेक्स्ट निम्नलिखित में से संविधान किस तिथि को पारित किया गया तो संविधान जो है वह पारित किया गया था 26 नवंबर उन्नीस को यहां पर लागू की बात नहीं हो रही है पारित की बात हो रही है तो पारित किया गया था 26 नवंबर उन्नीस को उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था 13 दिसंबर को निम्नलिखित में में से ठीक है तो ये दोस्तों थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगली वीडियो में हम संविधान से जुड़े अगले टॉपिक को देखेंगे तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और यह वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में मैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आपको इस वीडियो का और ज़्यादा लाभ हो और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद दोस्तों